यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं मंगल सरदार है, इसकी आयु कितनी है, देख सकते हैं यहाँ पे 56 साल है, बस की बस यहाँ पे सिंपली 56 साल है। यहाँ पे देख सकते हैं नाम, देख सकते हैं यहाँ पे आयु देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे FTO यहाँ पे PFMS रजिस्टर नो लिखा हुआ है, यानी कि ये नया लिस्ट है, इसको अभी तक लाभ नहीं मिला है और ये नया लिस्ट है, इसीलिए यहाँ पे पूरा जानकारी दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे 50 वर्ष प्लस का यहाँ पे लिस्ट आप कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको इसको निकालने में कोई परेशानी ना हो। ये लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया रहेगा, आपका PFMS रजिस्टर है या नहीं ये सारा कुछ दिखाई देगा। और इधर से जो कि आपको दिखाई देगा जो कि सिलेक्शन ऑर्डर नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इधर आप नीचे देख सकते हैं जितना भी है सब का सब यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी है यहाँ पे सब की उम्र देख सकते हैं कितनी है, यहाँ पे पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक इंस्टाग्राम आईडी है उसमें जाके आप DM करें और DM करने के बाद मैं इस लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो रुक जाइए, वीडियो पूरा देख लीजिए वरना आप निकालना कैसे वही नहीं पता चलेगा, तो आप जाके इंस्टाग्राम कुछ फायदा नहीं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको कैसे निकालना है ये पूरा आपको समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे डिटेल्स में जितने भी है सब 50 के प्लस है, 50 प्लस यहाँ पे 51 प्लस, सारा का सारा यहाँ पे मैंने जो दिखाया वो मेल का था, एक मेल मतलब पुरुष का यहाँ पे एक लिस्ट था। तो आपको इसको निकालना कैसे उसको जानने के लिए यहाँ पे सिंपली एक नया टैब ले लेते हैं। सबसे पहले हमको नया टैब ले लेना है और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टा का लिंक दिया वहाँ पे जाके आप जैसे DM करेंगे तो आपको ये लिंक जो है आपको दे दूंगा। आप उस लिंक में जाके जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का रहेगा, आप लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा सिंपल, जैसे ही सर्च करेंगे कुछ आपको इस तरह का वेबसाइट में ला दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट आपका सेलेक्ट करना है, स्कीम आपका सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया को आपको छेड़खानी नहीं करनी है और ये वाली कोड जो दी गई है उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको डाल लेते हैं। सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करें, झारखंड में ही यहाँ पे 50 प्लस का यहाँ पे पेंशन का योजना चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मैंने बोला कि इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इसको जैसा रहना है वैसे रहने देना है। अब उसके बाद जो भी ये कोड दिया गया है आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कोड दिया गया है उसको सिंपली आपको यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे डालते ही आपको देख सकते हैं, मैं फटाफट से डाल लेता हूँ, जो कि मेरा पहला लेटर D है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद G है, G के बाद 5 है। तो ये सब डालने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट में क्लिक कर दूंगा। आपको प्रोसेस को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। तो आप बिना प्रोसेस को देखे अगर आप भाग जाएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा आ क्यों नहीं रहा। तो सिंपली पूरा स्टेप देखिए और फिर उसके बाद अपना कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है, जैसे ही सबमिट करेंगे देख सकते हैं कुछ नीचे आना है, नीचे आएंगे तो देख सकते हैं झारखंड के यहाँ पे टोटल दिया गया है, जो कि आधार यहाँ पे DBT सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारा डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे नाम है। तो आपको सिंपली नीचे आना है, जो डिस्ट्रिक्ट आपका है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है सरायकेला। तो मैं यहाँ पे सरायकेला को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली सरायकेला को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद देख सकते हैं कुछ देर लगेगा, उसके बाद आपको देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना जो भी है इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से मैं अपना सरायकेला को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे सरायकेला दिया गया है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसको भी नीचे आना है। नीचे आने के बाद फिर से आपका यहाँ पे ग्राम पंचायत जो कि आपका ग्राम पंचायत है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ग्राम पंचायत अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी एक, देखिए ग्राम पंचायत में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सारा डेमो डिटेल से आपको अपना ओरिजिनल फिल करना पड़ेगा जो कि आपका ओरिजिनल है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते जो मैंने ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया था उस ग्राम पंचायत का नाम देख सकते हैं कुछ ये नाम है मुरकुमा। यहाँ पे सिंपल उसी ग्राम पंचायत का सारा लिस्ट आ गया। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया 72, 66, 74 एज का यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एकदम पूरा नीचे आना है, नीचे जबरदस्त आप उसको ऊपर उठाइए। यहाँ पे सबसे नीचे आना है आपको, नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई देगा यहाँ पे PFMS NO, मतलब ये सब नया है। तो आपको सिंपली नीचे आना है, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सारा जितना भी है सब लिस्ट का नाम देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अपना नाम को सेलेक्ट कीजिए, सिंपली जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आपको सीधा ऊपर आना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पूरा पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स में सहारा का लिस्ट का नाम इसे यहाँ पे दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं, इसी तरीके से अपना नाम को खोजना है अपने ग्राम पंचायत से। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली प्रिंट का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो यही एक आपको बड़ी अपडेट देनी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है, आपको टेक के रिलेटेड यहाँ पे सरकारी योजना के रिलेटेड आपको वीडियो देखना पसंद है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।